हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं एक प्रोडक्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है पेंट्रापज़ोलेट टैबलेट। 40 mg की क्वांटिटी में आ रही है। तो इसका आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ और रिव्यू के साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्राइस में अवेलेबल है, कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, क्या स्पेसिफिकेशन है, कितनी क्वांटिटी में आपको इसको लेना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आप तक पहुंच सके, आपके आपके टाइमलाइन में पहुंच सके और आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख सकें। तो पेंट्रापज़ोलेट टैबलेट का रिव्यू शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, पेंट्रापज़ोलेट टैबलेट जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहें तो ऑनलाइन ये 125 rupees में अवेलेबल है, डिस्काउंटेड प्राइस पे 1 mg पे ये 110 या 115 में इस टाइम अवेलेबल है। ऑफलाइन भी आपको किसी भी फार्मास्यूटिकल से इजली अवेलेबल हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ इसके बेनिफिट क्या है, क्या यूजेज हैं पेंट्रापज़ोले 40 mg टैबलेट के। तो पहला जो है, अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन जो आपके स्टमक में होती है उसको कम करती है, क्योंकि हम लोग खान पान की वजह से कई बार बॉडी हमारी जो है एसिड प्रोड्यूस करती है, स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है, तो एक्सेसिव जो एसिड होता है उसको कम करती है। अगला जो यूज़ है, जो आपके इंटेस्टाइन और स्टमक में एसिड रिलीज होता है, एक प्रॉब्लम हो जाती है कई बार हम लोगों को एक एज के बाद की हमारी बॉडी में एसिड काफ़ी ज़्यादा रिलीज होता है और हमें उससे हर्ट बर्न और बहुत सारी शिकायतें होती हैं, तो ये उसको भी दूर करता है। उससे अगला यूज़ है इसका हर्ट बर्न। हर्ट बर्न कॉमन प्रॉब्लम है, काफ़ी कॉमन है। अगर आप कुछ ज़्यादा खा लेते हैं, एक्सेसिव खा लेते हैं या फिर आप कुछ गलत खा लेते हैं, उस वजह से आपकी बॉडी में एसिड प्रोड्यूस होता है और एसिड आपका ऊपर तक निकल के आता है, इससे आपको वॉमिट हो जाएगा, ये सब लगता है और जलन महसूस होती है आपके फूड पाइप में, तो ये उसको भी ट्रीट करता है। अगला यूज़ है आपका एसिड रिफ्लक्स। हम लोगों का जो खान पान है, बेसिकली अगर रात को हम कुछ ज़्यादा खा लेते हैं या ऑयली खा लेते हैं या कुछ गलत खा लेते हैं जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करता, तो हमारी बॉडी एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसका एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। और अगला जो यूज़ है वो है पेप्टी अल्सर डिसीज जो होती है उसको ठीक करता है। उसमें क्या होता है, अल्सर जो होते हैं अपने आप ठीक होते हैं, तो ये एसिड को कम करता है जो उस अल्सर को बढ़ाते हैं, तो अल्सर जो है अपने आप ठीक हो जाते हैं, उसको कंट्रोल करता है एसिड को। तो ये थे इसके यूजेज और बेनिफिट। अब मैं बताता हूँ आपको इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट्स एज सच कुछ ज़्यादा नहीं है, जो 2-3 साइड इफेक्ट है वो आपको बताया था, जो कॉमन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। रेयर साइड इफेक्ट है जैसे वॉमिटिंग आना, डिजीनेस होना, डायरिया, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, इसको लेने के बाद थोड़ी गर्म है, तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप प्रॉपर इनटेक करेंगे वाटर का तो ये साइड इफेक्ट्स पे आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। और डोसेज की बात कर लेते हैं, तो आपको खाने से पहले लेना है इसका डोसेज। आपको जेकर एसिडिटी बन रही रेगुलर, तो आप इसको अपने फूड इनटेक से पहले 15 या आधा घंटा पहले इसको लीजिए, उसके बाद अपना लंच या डिनर कीजिए, तो ये आपकी बॉडी में जो एसिड बनता है उसको कम करेगा और आपको इन सब चीज़ों से हर्ट बर्न हो गया, एसिड रिफ्लक्स हो गया, उससे दूर करेगा। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पेंट्रापज़ोले टैबलेट के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। आप मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।